हिंद की चादर नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400 साल प्रकाश पुरब दुनिया भर में वसदी नानक नाम लेवा संगत वलों अथाह श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। इस मौके गुरु साहिब के जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे अनेक विशेष समागम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा गुरु के महल विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए, उपरंत हजूरी रागी जथिया वालों गुरबाणी कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल किया गया। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, श्री हरिमंदर साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन, तखत श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह, श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जागीर कौर ते कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी समेत अनेक धार्मिक समाजिक ते सियासी शख्सियतों तो इलावा वड्डी गिणती विच संगतां ने गुरुद्वारा गुरु के महल विखे नतमस्तक हो के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कीतीआं। प्रकाश पुरब के संबंध में श्री हरिमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब ते गुरुद्वारा बाबा अटल राय विखे सवेरे 9 बजे तो दोपहर 12 बजे तक पवित्र जलौ संगतां दे दर्शनां लई सजाए गए। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विच शताब्दी समागम का आयोजन किया गया। मंजी साहिब दीवान हाल विच विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए, जिन्हां विच पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी ते कवीशरी जथिया ने संगतां नूं इलाही बाणी दे रस नाल जोड़िया ते इतिहास तो जाणू करवाया। संगतां विच भारी उत्साह देखण नूं मिलिया ते कोरोना महामारी कारण लाए गए लॉकडाउन दीआं पाबंदियां दे बावजूद देश विदेशां तों लखां शरधालुआं ने गुरुद्वारा गुरु के महल ते श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक हो के गुरु घर दा आशीर्वाद लिया।